कर रही है क्योंकि गाजर घास हो रखा है यहाँ पे, इससे एलर्जी भी होती है, किसी किसी को ये सूट नहीं करता है। तो अभी भाभी थोड़ा बहुत काट रही है क्योंकि सड़क वाला रास्ता है तो लोग आते जाते रहते हैं। जेसीबी लग गया हमारे रोड पे, ऊपर से लग गया था और नीचे अब लग रहा है, ऊपर की सड़क हो गई हमारी ठीक। बहुत ही ज़्यादा मस्त हो रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी, ठीक होंगे? और मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने YouTube चैनल में और इन प्यारी प्यारी वादियों से। देखिए और अभी सुबह सुबह टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ गाय चराने के लिए। तो गाय तो हमारी 6:30 बजे आ गई थी, भाभी लेके आ गई थी। और ये देखिए कट्टा मेरे ताऊ जी जा रहे हैं, तो आधे रास्ते में थैला छोड़ने आई थी, तो यहाँ पर रख दूँगी, फिर मैं गाय चराने भाभी के साथ चली जाऊँगी। गाय देखिए पन्नी भी ले जानी पड़ रही है, आजकल बारिश का कोई पता नहीं है, तो मौसम कब ख़राब हो जाए, फोन कब भीग जाए, कोई वो नहीं है। तो इसीलिए ये देखिए पन्नी भी ले लिया मैंने और आधे रास्ते तक भी पहुंच गई हूँ, सड़क तक थैला रख के आ जाऊँगी और फिर उसके बाद इधर ही हैं भाभी और, तो उनके साथ गाय चराने चली जाऊँगी। तो आप भी दिखाती रहूँगी जो जो होता रहेगा पूरे दिन भर में। इतने दूर ले आई है भाभी गोर गाय, और चरते नहीं है, घास तो बहुत है पर परेशान करते हैं गाय वाय। और ये देखिए सोनी और सोनी की मम्मी 6:30 बजे आ गए थे गाय चराने के लिए। और भाभी हेलो करो, हेलो करो, देखिए गाय चराने के लिए आ रही है मोटी, 10-12 किलो वाले यार। ये रही हमारी गाय, नीचे बहुत तेज नहीं भागे गोर, तो दोस्तों अब गाय चराने वाली ड्रेस भी पहन ली है मैंने। और देखिए सोनी, और ये कट्टा भी रख दिया है यहाँ पे, और जब आएंगे ताऊ जी तब थोड़ी देर थोड़ी दूर और छोड़ के आ जाऊँगी, आज ही नहीं ले जा पाएगा इतना भारी। तो नीचे चल रही गाय, दिखाती हूँ मैं आपको। इनको मैं वो उधर छोड़ के गई थी, उधर जहाँ से मैं आई थी उधर मंदिर के सामने छोड़ के गई थी, और ये अभी अभी आधे घंटे में ही यहाँ पहुँच गए हैं। इतनी ऐसे भाग रहे हैं जैसे बस इन्होंने ही खाना होगा पूरा जंगल, तो अभी भागते ही जा रहे हैं, भागते ही जा रहे हैं। सोनी ले ले ले। तो देखिए वो बह रही है हमारी मछलाड़ नदी, मतलब गदन, और ये बस स्टॉप है। और नीचे देखिए गाड़ी आ रखी है, ये सड़क हमारी दुदारखाल कोटा पहुंचती है, उधर बीच में पुल बना रखा है और वो सीधे पहुंचती है दुदारखाल और वहां से निकलती है सतपुली। तो ये हमारी बस वाली रोड है, बाकी ये पक्की नहीं हो रखी इसलिए इसमें बस अभी आती नहीं है, ट्रक व्रक। गाय भाग गई हमारी बाजार की तरफ, चरने का नाम नहीं ले रही है। इधर भाभी रास्ता साफ कर रही है क्योंकि गाजर घास हो रखा है यहाँ पे, इससे एलर्जी भी होती है, किसी किसी को ये सूट नहीं करता है। तो अभी भाभी थोड़ा बहुत काट रही है क्योंकि सड़क वाला रास्ता है तो लोग आते जाते रहते हैं, पूरी ख़राब हो रखी है सड़क, पर कोई साफ करने का नाम नहीं है। जब तक यहाँ पर बजट नहीं आता लोग तब तक काम करने के लिए तैयार नहीं होते, बिना पैसे के मतलब कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। बस ये देखिए कोई एक आध लोग बचे होंगे जो सोचेंगे कि हमने सफाई करनी है। तो ये भाभी देखिए लग गई है सुबह सुबह, और मैं और सोनी देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास दांत ही नहीं है, तो कौन नहीं ना नहीं जो है मोटा पता काम मोटे हो जाओ तो पार हट जा। गाइस देखिए जेसीबी लग गया है हमारे रोड पे, ऊपर से लग गया था और नीचे अब लग रहा है, ऊपर की सड़क हो गई हमारी ठीक। ये सतपुली दुदार खाल वाली रोड है, बदलपुर साइड जाती है सड़क। चला हमने सारा काट दिया, उधर से साफ कर दिया है। अभी देखिए भाभी थोड़ा सा रह गया, इधर लगी हुई है
और फिर थोड़ा उधर करेंगे। और मेरे आँखों पे लगने लग गई खुजली इस घास से। फिर घर जो काट दिया है मैंने, एक ही काटा। मेरी मम्मी ने दाती वाती कुछ देने रखी थी तो सोने और की दराते से काटा मैंने ये। और अब चल रहे हम घर को, क्योंकि टाइम भी 10 बजने वाले हैं और गाय भी अब चल नहीं रही, तो अब चलते हैं घर। और रखती हूँ इसको अपने सर में, है ना सोनी, चलते हैं घर। गाय चरागे पे आ गई थी मैं, और उसके बाद थोड़ा नहाई। और अब देखिए मैंने दाल रख दी है गैस में, और चावल बाहर चूल्हे में बन रहे हैं। और फिर उसके बाद अभी मेरा भाई कहीं गया है, फिर खाना खाना। सोनी हेलो, और मैं सोनी और आसी हम जा रहे हैं आम खाने के लिए जंगल वाले पेड़ पे। बाकी तो घर में तो बहुत सारे हैं देसी आम, पर मतलब कि देसी आम के पेड़ देखिए वो कितने हैं। हमारा पेड़ दिख रहा है ना छोटा सा, उस पर भी आम लगे, उधर भी एक। पर हम अभी जा रहे हैं जंगली आम खाने जो छोटे छोटे होते हैं। आ जासी, हाँ यार भाई चलो। और हम तीनों के तीनों जा रहे हैं, बाकी आके आएंगे मस्त से और आपको भी दिखाएंगे। तो अभी टाइम भी कितना हो रहा है, अभी टाइम 5 बज गए हैं और निकल पड़े हैं हम सबके साथ। देखिए और देखिए पूरा गाजर घास हो रखा है, मतलब पूरी खेती बंजर पड़ी हुई है। बिल्कुल भी खेती बाड़ी नहीं है, वो हमारे शिव भगवान जी का मंदिर और ऊपर भैरव भगवान जी का मंदिर है। और अभी हम सीधे इधर जाएंगे उधर साइड सिद्ध बाबा, और चलते हैं और देखेंगे कि आम पके हैं कि नहीं पके। आसी ऊपर पर पहुँचने वाले हैं बबले पार्क, इस जगह को बबले पार्क बोलते हैं हम, मतलब कि जगह का नाम है ये। और यहाँ पे आम का पेड़ है, ऊपर भी देखिए आम के पेड़ हैं बहुत सारे। पर हम पहले इसी पे जाएंगे, छोटा है इसमें चढ़ जाऊँगी मैं। और बहुत सारे आम आ रखे हैं यहाँ पे, तो ये वाला देख सोनी उठी बैल यो मत ही तुम्हारा। और फाइनली पहुंच गया है, तो बहुत छोटे छोटे आम लगे हुए इस पे देखिए। और मैं चढ़ूंगी पेड़ में पके। एक पेड़ के तो तोड़ दिए थे हमने, वो रह गया नीचे और उसमें छोटे छोटे थे, ज़्यादा पके नहीं हुए, इसीलिए हम वहाँ से दूसरे वाले पेड़ पे आ गए। तो देखते हैं इस पे पके होंगे तो इसी को खाएंगे। ये भी छोटा सा ही पेड़ है, दिखाती हूँ मैं आपको। और एक पेड़ में वो देखिए छोटे छोटे लगे हुए ना, ये दिख रहा है। और बाकी एक पेड़ में आसी गया है देखने, उसने बोला मैं देख के आता। तो यहाँ पर मुझे मोर पंख भी मिल रहे हैं, पर ये बारिश से ना ख़राब हो गए। देखिए कितना सुंदर मोर पंख था, पर ये ख़राब हो गया बारिश से। एक तो मेरे सर पे लगा रखा मैंने, ये तो धोना पड़ेगा, ये सूखेगा भी नहीं, है ना सोनी। हमारे यहाँ ना बहुत सारे मोर पंख मिल जाते हैं, आजकल बरसात में झड़ जाते हैं। सोनी आराम से हो, अभी ऊपर चलते हैं। आसी गया है ऊपर, आसी देखिए एक और आम मिल गया पका, और ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलो ऊपर और देखिए कितने कच्चा पुणा छह दे कच्चा भी। आम खा के भी आ गए हैं हम। वो देखिए उधर आसी उधर बैठ गया छत में, अरे तब चलते हैं वहीं पे। आसी तो बैठ गया है क्योंकि वो पहले ही आ गया था, हम थोड़ा रील्स बनाने लग गए थे इसलिए मैं और सोनी पीछे ही रह गए। तो अभी चलते हैं, और फिर आज का वीडियो भी मैं इतना ही रखती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ, आज के लिए बाय बाय दोस्तों।